को तो मुझे ट्राई करना है। अरे प्लीज, अच्छा ठीक है। अच्छा देखने तो दो कैसा है। अच्छा छोटा लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, यालेना, हाँ जी यही है वो ब्रांड जिसका आज मैं टूथब्रश अनबॉक्स करने वाला हूं। है ये भी चाइनीज थ्री हेडेड टूथब्रश। ये भी थ्री हेडेड है, इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, क्वालिटी बहुत सुपर है। सो जल्दी जल्दी इसका अनबॉक्स करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं। एंड प्लीज जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑफकोर्स कॉमेंट कीजिए। करो इसकी पैकेजिंग की, बहुत ज्यादा स्टाइलिश है और अचीब कहीं से भी नहीं लगता है। सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, देयर इज नो इंग्लिश थिंग। थोड़ा थोड़ा नीचे कहीं पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंग्लिश में बताया हुआ है। गुआंगडोंग चाइना इसका ओरिजिन है। ब्रांड का नाम प्रॉब्ली यालेना है। सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। और इसकी जो सबसे अच्छी खास बात यह लगी मुझे कि इसमें टंग क्लीनर भी प्रेजेंट है, राइट। और इसके तीन हेड्स हैं एज वेल, तो ये भी एक बहुत अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। ग्रिप बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड स्नेक लाइक इसके थ्री हेड्स हैं। सो आई बिलीव कि इसमें पानी कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होगा और ब्रश करने के बाद इसका डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिसल्स की। ब्रिसल्स छोटे हैं, इनकी जो वर्टिकल हाइट है वो भी सही है, तो बच्चे आसानी से इसको ब्रश कर पाएंगे। हालांकि इन्होंने कोई एज मेंशन नहीं की है, सो आई बिलीव इसको बड़े भी कर सकते हैं एंड बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। पीछे क्योंकि इसमें इनके हेड्स के पीछे टंग क्लीनर दिया है इस बार, अनलाइक एक पहले मैंने अनबॉक्स किया था क्यूरेसा का, पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें टंग क्लीनर नहीं था, तो इसमें टंग क्लीनर मिल जाता है, तो अलग से टंग क्लीनर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रशिंग के बाद टंग क्लीनिंग भी आसानी से इससे हो जाती है। हाँ, मुझे कहीं लगा इसका जो हेड साइज है वो भी थोड़ा छोटा है। सो पोस्टीरियर्स में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, एंटीरियर्स में तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। एंड जो इसकी ग्रिप है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। नेक टू बॉडी रेशियो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका जो हैंडल बार है वो लंबा है एज कंपेयर टू दी नेक। सो इसमें जो फोर्सेज एग्जर्ट होंगे तो आसानी से फोर्सेज एग्जर्ट हो जाएंगे और पीछे तक ब्रश आसानी से चला जाएगा क्योंकि ग्रास अच्छी है, तो कोई मसूड़े में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब बेसिकली कोई किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। मोर ओवर इसके अगर प्राइस पॉइंट की हम बात करें, थोड़ा सा महंगा है, कभी 323 रुपए का ये मिल जाता है और सेल्स वगैरह चलती हैं तो कई बार 350 तक भी पहुंच जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। बट ये अपने आप में एक बहुत कमाल का पैकेज है एंड ऑफकोर्स 3 महीने बाद तो आपको बदलना ही है। इसका एडवांटेज यही है कि ये बहुत अच्छे से क्लब कर लेता है फूड पार्टिकल्स को, क्योंकि इसमें तीन हेड्स हैं तो आसानी से हर कोने से दांत के ये निकाल लेता है। सो कैविटी फॉर्मेशन का या केरीज स्टार्ट होने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। एंड इसकी जो नेक है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, बट हाँ इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमम है। हाँ, एक मुझे पॉइंट ये लगता है कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं, कई बार शैतान भी होते हैं बच्चे और ओवर एंथुसियास्ट बच्चे भी होते हैं, तो हो सकता है कि वो इसको गल्प करने की कोशिश करें, तब शायद चोकिंग इफेक्ट दिख जाए। चोकिंग इफेक्ट इसलिए दिख जाए क्योंकि इसमें तीन हेड्स हैं, राइट। सो उसमें आपको ध्यान रखना है, सुपरविजन का ध्यान रखना है बच्चे को ब्रश कराते हुए। एंड एक मैंने छोटा कंपैरिजन किया है, क्यूरेसा का जो ब्रश आता है आप वीडियो में आराम से देख सकते हैं, उसके मुकाबले ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो क्यूरेसा ब्रश जो मैंने पहले भी दिखाया था वीडियो में, वो उसके ब्रिसल्स इतने बहुत अच्छे नहीं लगे मुझे, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिले। इस वाले ब्रश में यालेना में है ये भी थ्री हेडेड, बट इसमें एक टंग क्लीनर भी मिल जाता है और इसका डिजाइन लैंग्वेज एक ब्रश की तरह है। जो क्यूरेसा मैंने किया था लास्ट वीडियो में वो एक इट इज मोर ऑफ अ टॉय, राइट। बट ऑन द अदर हैंड बच्चे अट्रैक्टिव टॉयज की तरफ होते हैं एंड
जो क्यूरेसा है वो बड़े बच्चों के लिए नहीं है। मैंने उसमें अपनी डॉटर पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया भी था लास्ट वीडियो में। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई में थी क्योंकि इसका जो हेड साइज है नो डाउट थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू यालेना जो ये प्रेजेंट टूथ ब्रश है, बट वो कुछ ज्यादा ही छोटा है और इनइफेक्टिव है क्योंकि जो उसके क्यूरेसा के जो ब्रसल्स हैं वो प्लास्टिक ब्रसल्स हैं, राइट। वेयर एज इसके जो ब्रसल्स हैं डूबॉट ब्रसल्स दोनों के नहीं है, बट इसके ब्रसल्स थोड़े से इफेक्टिव लगे। सो मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप दोनों ही ब्रांड्स में कंफ्यूज हैं और आप अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप यालेना लीजिए अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है, 5, 6 या 7, 8 साल का बच्चा है तो। और अगर छोटा बच्चा है 2-2.5 साल का है या 3-4 साल का है और जब इरप्शन हो रहा होता है तब आप ऐसे में क्यूरेसा ले सकते हैं, बच्चे टॉय की तरह भी खेल सकता है। सो ये सारी डिटेल्स थी, एक अच्छा पैकेज है। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए, डू शेयर डू कॉमेंट डू सब्सक्राइब एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।